दोस्तों आज ये दो हमारे पास ये कवर हैं और ये कूलर की किट के भी होते हैं, और अभी जो लगा हुआ है ये फराटे के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके हमें बुश सापट चेंज करनी है, और इसमें कैसे पता चलता है कि आखिर हमारे पंखे की जो बुश है और सापट है वो ख़राब है, या कूलर की किट की जो बुश सापट है वो ख़राब है, कैसे चेक करते हैं इसको? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पंखा को या जब इसके कवर को खोलते हैं और इसके सापट को हैं, वैसे जब इसको लगाएंगे आप तो हल्का इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर प्ले होता है हल्का, ठीक है, हल्का प्ले होता है, आपको बारीक सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ जी इतना तो चल जाएगा। लेकिन बहुत सी मोटरें होती हैं, जैसे कि आजकल जो स्टैम्पिंग आती है उसके अंदर जो गैप होता है, पहले 1 mm आता था लेकिन अब ये 1 mm से कम ही गैप होता है उन मोटरों के अंदर। तो इस मोटर के अंदर भी 1 mm से कम गैप होने की वजह से थोड़ा सा भी अगर कट जाएगा तो वह आपके जो मतलब मोटर फिटिंग करेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से आपका ये मतलब फ्री रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इसके अंदर भी गैप है, और गैप ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके सापट के ऊपर इस तरह का अगर निशान पड़ा हुआ है तो आपकी जो ये बुश है वो बार बार कटती रहेगी, और कट करके ये आप इसमें ऑयल डालेंगे वो गर्म होगी बुश, और बुश जो है कि आपके कट के मतलब वो छिल जाएगी, ठीक है, कट जाएगी, सापट भी आपकी कट जाएगी, उसके ऊपर निशान पड़ जाएगा, और बार बार आपका जो पंखा और कूलर है वो जाम होता रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जैसे कि आप लोग जब बुश और सापट लगाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो बुश सापट है बहुत ही जल्दी ख़राब होगी, और अगर सही से आप उसको ठोकते हैं, सही से आप ध्यान से अगर काम करते हैं तो आपकी बुश और सापट जल्दी से ख़राब नहीं होगी। जैसे कि ये नया ही बुश सापट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि इसमें नई बुश लगा रखा है, नया रिपेट लगा हुआ है। तो जिस भाई ने भी लगाया है बहुत गलत तरीका इस्तेमाल किया है। क्या गलती की है मैं आपको बताऊँ, देखिए जैसे कि ये सापट है, ठीक है, इसके अंदर तो इस बुश के अंदर तो ये जा रहा है अच्छे से, ये चला गया, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी इसके अंदर नई बुश अगर लगाते हैं, जबकि कटा हुआ है ये, फिर भी नया बुश लगाते हैं तो उसके अंदर ये हमारी नई बुश इसमें जाती नहीं है, ठीक है। नई बुश अगर हम लगाएंगे तो ये नहीं जाएगी इसके अंदर, देख सकते हैं बहुत ही जाम जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जाम है इसके अंदर, और बहुत मुश्किल से निकलता भी है, ठीक है। तो इधर से ये नई में नहीं जा रही है, मतलब पुरानी जा रही है पर नई नहीं जा रही है। तो इसका कारण क्या है कि इसके जो आगे वाला हिस्सा है आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो इसको उन्होंने पीट दिया है, या इसके ऊपर लोहे के ऊपर, जैसे लोहे की जो ये सीट है इसके ऊपर रख करके सब लोग ठोंकते हैं, ठीक है, इस तरह से ठोंकते हैं, जो कि इसके जो ये नीचे के घाट होते हैं और आगे के जो घाट होते हैं, क्योंकि इसको भी मुझे काटना पड़ा अभी, क्योंकि ये जो इसकी पंखड़ी थी वो पंखड़ी निकल नहीं रही थी, क्योंकि आगे से भी उन्होंने पीट दिया था और पीछे से भी इसको पीट रखा था, बहुत मुश्किल से उन्होंने फिटिंग किया था मोटर की। इस तरह से ये मोटर की मतलब जब फिटिंग करते हैं तो ये सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से कि बुश और सापट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या उनके अगर थोड़ा भी गैप हो जाए उसके अंदर तो नई बुश, मान लीजिए कि कई बार होता है कि सापट आपकी सही है और आप खाली बुश चेंज करना चाहते हैं तो बुश भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे से उसका अगर जो मुंह है आगे से अगर पीट दिया जाएगा तो वो आपकी बुश अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, ना इधर से जाएगा ना ही तो इधर से जाएगा, बड़ी मुश्किल से। इधर तो मैंने काट दी इसलिए थोड़ा चौड़ा हो गया, बाकी इधर तो बिल्कुल कटा हुआ नहीं है, तो इधर से नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ से आगे से उन्होंने पीट दिया है, तो ये पीटना नहीं है। तो बुश सापट ठोकते समय किन बातों के ध्यान रखना चाहिए, कैसे बुश सापट लगाने चाहिए अपने कूलर की किट के अंदर या किसी भी मोटर के अंदर, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये फाइबर वार्सल बोला जाता है इनको, ठीक है, और इसको भी फाइबर ही बोलते हैं, इसका नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ इसको, बाकी इसके कूलर की किट में लगता है ये। इनको हमें निकाल लेना है पहले, और नहीं निकलते हैं तो आप इसको ऐसे जब करेंगे निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो सापट को निकालने के लिए आप लोहे के ऊपर रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन ठोकना आपको कैसे है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। इसको निकालने के लिए दोस्तों हम लोहे के ऊपर रख करके, और ये पाइप है हमारा, इस पाइप से हम इसको हथौड़ी से मारेंगे और ये निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये निकल जाएगा। देखिए निकल गया, इस तरह से हमारा रूटर निकल जाता है। और अब हमें दूसरा सापट ठोकेंगे, उससे पहले हम इसके जो बुश है बुश भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि बुश और सापट जब भी आप चेंज करते हैं तो बुश और सापट दोनों एक साथ चेंज कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है अगर आप एक चीज़ चेंज करेंगे, क्योंकि लगता है कि आपका जो है कि बुश सही है लेकिन कहीं से अगर अंदर से अगर वो कटा हुआ रहेगा कहीं से भी तो आपको सापट के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा। और नई सापट जब आप लगाएंगे तो आप उसको एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसके
ठीक है, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसको आपको बुश और साबड़ दोनों चेंज कर देना चाहिए। बुश और साबड़ जब दोनों चेंज कर दे, एक साइज़ का होगा और उसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्ले नहीं है, इस बुश साबड़ हम लगाएंगे इसके अंदर। तो चलिए पहले इसको हम साबड़ हमने निकाल ही लिया है और बुश को भी अब हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो दोस्तों बुश को निकालने के लिए ये देखिए, किसी में लोहे का रिपट लगा हुआ होता है और ये जब रिपेयरिंग करते हैं तो सब एल्युमिनियम की रिपट लगाते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम की रिपट तो बहुत आराम से निकल जाती है। इसको आप मतलब नट वगैरह भी रख करके नीचे, जैसे कि पुरानी बुश हो कोई, ठीक है, तो पुरानी बुश रख करके इस तरह से, और इसके ऊपर ऐसे रख करके इसके ऊपर मतलब सुएँ से यानी कि सुम्मा बना लेते हैं, उसको ऐसे मार देते हैं तो भी निकल जाता है। और लोहे वाला भी आपका इसी तरह से निकल जाता है, लेकिन मैं आज जो जिस तरीके से निकालूंगा वो हमारा तरीका कुछ इस तरह से है। जैसे कि मैंने ये जो हम बाइंडिंग काटते हैं अपनी, वही वाली ब्लेड है ये, उसी से मैं इसको निकालूंगा। इसको मैं यहाँ से काट दूंगा और ये अपने आप ही बाहर से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से मार देंगे और सारे हमारे निकल जाएंगे 2 सेकंड के अंदर, जिसमें ज़्यादा नट वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तरीका है दोस्तों, सरल तरीका है, जब भी आप काम करते हैं तो सरल तरीका कोशिश करें अपनाने की। देखिए बहुत आराम से निकल गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। और जब आप चेंज करते हैं तो अगर ज़्यादा ख़राब है, ये नमदे होते हैं, ठीक है, ये नमदे अगर ज़्यादा ख़राब हो जाएं आपके, ज़्यादा मतलब ग्रीस वगैरह इसमें जैसा लगता है लग गया, काला हो गया है, तो इसको भी आप अगर हो सके तो चेंज कर लीजिए। नहीं चेंज करते हैं तो आप इसको बढ़िया से इसको ऐसे निचोड़ करके इसका तेल निकाल दीजिए। दूसरा जब ये सफ़ेद हो जाएगा, तेल निकाल देंगे, उसके बाद दोबारा से ऑयलिंग करके आप इसके ऊपर दोबारा से लगा सकते हैं। चलिए ये हमारा निकल गया, और ये लोहे वाले को भी हम इसी ब्लेड से काट लेंगे बहुत ही आराम से। देख सकते हैं ये भी निकल गया, ठीक है, और उसके बाद आपको इसको साफ़ कर लेना है। जैसे इसके अंदर जो रिबड़ वगैरह टूट करके रह जाती है तो उसको साफ़ कर लेना है आपको। अगर आपकी टूट करके फंस गई है तो उसको आपको निकालने के लिए आपको जैसे कि ये बोल्ट ले लेना है, यानी पेंच लेना है इस तरह का, और पेंच लेकर के आप जब उसके अंदर इस तरह से रख के मार देंगे तो सारे के सारे पेंच निकल जाएंगे बहुत ही आराम से। देख सकते हैं ये निकल गया है, ऐसे ही सारे ही निकल जाएंगे। और इसकी ये साफ ही है पहले से ही, और अब इसके अंदर जो रिपट फंसी हुई है, ये जो रिपट फंसी हुई है इसको भी हमें निकाल लेना है इसी तरह से। दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन के पास एक सुम्मी ज़रूर होनी चाहिए जो कि पंच वगैरह करने के काम आती है, और कहीं कोई कील उल फंस जाए, रिपट फंस जाए, उसको निकालने के भी काम आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सारा का सारा साफ हो जाता है। और अब हमें इनकी पत्तियों को जो है कि थोड़ा सा सीधा कर लेना पड़ेगा, और वो हम इस तरह के लोहे के ऊपर रख करके, या हथौड़ी आपके पास वहाँ पे भी रख करके आप इसको कर सकते हैं। तो इसको ऐसे पीट करके हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधे हो गए। और उसके बाद में अगर ये कहीं से टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको भी आप सीधा कर लीजिए, बाकी ये कहीं से टेढ़े मेढ़े नहीं है। और ये थोड़ा सा आप देखेंगे इसका ये बैलेंस थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसको हम हल्का सा जो मार देंगे तो आ जाएगा लाइन में, है ना। कंप्लीट है, अब इसकी बारी आती है दोस्तों कि इसके अंदर हम ये नमदे वगैरह लगा करके इसको हम दोबारा से इसके अंदर बुश लगा दें। उससे पहले हमें इसका ये ऑयल वगैरह है वो साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है, और इसकी जो तेल है वो भी हम निचोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से ये साफ़ हो जाती है, और इनको भी साफ़ कर लेना है अच्छे से, इसके जो ऑयल वगैरह हैं, ठीक है, काला पीला जो भी है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए।
गया। और अब बारी आती है इसके अंदर नया बुश और सापट लगाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बुश लगाएंगे, और सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है दोस्तों सापट के अंदर, ठीक है। तो सब कुछ साफ़ कर लेना है आपको, और बुश लगाने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप इसके ऊपर ऐसे बुश रख दीजिए इस तरह से, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप रखिए ये जो नमदे, ये जो गत्ते बोलते हैं कई लोग, तो इसको रख लेना है ऐसे, क्योंकि ये रखने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपकी जो ये बुश है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के ये दोबारा से ख़राब हो जाएगी, मोटर आपकी जाम हो जाएगी, मोटर भी फूक जाएगी। तो गत्ता ये रहने से, ये नमदा रहने से, ये ऑयल से गीला किया जाता है, ऑयल हमेशा इस बुश को ठंडा करके रखता है और इसके अंदर हमेशा नमी बना करके रखता है, ठीक है। उसके ऊपर से ये नमदे लगाने के बाद इस तरह से आपको स्प्रिंग लगानी होती है, और उसके बाद में आपको ये कवर, ठीक है, उसके बाद में आपका ये कवर लग जाएगा। कवर के अंदर दोस्तों कई लोग जो कि इसमें एक सुराग होता है बॉडी के अंदर, भाई वहाँ से ये ऑयल डालने के लिए होता है, लेकिन ये इसके अंदर कहीं भी नहीं है, और आजकल इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं आता। बहुत पहले ऐसे आता था कि प्लास्टिक लग जाता था ऑयल डालने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से इसको हमें बराबर कर लेना है, और इसके अंदर दोस्तों जब भी आप इसको बुश लगाते हैं तो इसके ऊपर रिपट्टी लगाना है। आप कोई जुगाड़ ऐसा मत सोचिए कि इसके अंदर हम पेंच कस देंगे तो हमारा ये काम चल जाएगा। अगर पेंच कस देंगे आप तो जैसे मोटर चलेगी आधा घंटा एक घंटा, तो मोटर जिससे हल्की फुल्की वाइब्रेट होती है, तो वो वाइब्रेशन के कारण आपकी जो मोटर है इसकी जो ये बुश नट बोल्ट हैं उनकी साइड के, वो नट बोल्ट मतलब लूज हो जाएंगे, तो आपकी मतलब वहीं पे मोटर जाम हो जाएगी और मोटर फूक भी सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिपट लगाते हैं तो रिपट चाहे आपकी मोटर ज़िंदगी भर चलती रहेगी तो भी ये जाम नहीं होगी, मतलब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसके अंदर रिपट लगाते हैं। क्या है, 12 रिपट इसके अंदर लगेंगे, और सबसे पहले हमें एक रिपट को लगाना है और उसको अच्छे से ठोक लेना है, ठीक है। इस तरह से एक रिपट लेना है और इसको अच्छे से ठोक लेना है। उसके बाद उसके सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला ठोकना होता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, इस ठोक गया। अब ऐसा मत सोचिए कि इतने पे छोड़ देना है आपको, आपको ये जो मतलब जिसने छः इसके अंदर सुराग है तो छः रिपट इसके अंदर आपको ज़रूर लगा लेने होंगे, क्योंकि अगर छः रिपट नहीं लगाएंगे तो कई बार एक आध अगर लूज हो जाए तो बाकी के तो काम करते रहें, तो इसलिए आपको छः के छः रिपट इसमें लगाने हैं। जितने आपको मतलब जिस भी मोटर के अंदर आपको जगह मिलती है रिपट लगाने की, उतने रिपट आपको लगाने होंगे। और अच्छे से उसको आपको ऊपर से पीट देना है इसके मुंह को, ताकि वो अच्छे से बैठ जाए और लूज ना हो, मोटर चाहे कितने ही दिनों तक चलती रहे। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे वाले कवर का बुश भी हम ठोक लेंगे, और देख सकते हैं सारे रिपट इसके भी हमारी ठोक गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये इसकी जो बुश है वो ठोक गई है, और अब इसकी बारी आती है दोस्तों अपने रूटर के अंदर हमें सापट लगाने की। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसके विषय में आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको ठोका जाता है कि आपकी ये कभी ख़राब ना हो, ठीक है। तो आपने जैसे शुरू में देखा था ये लंबे वाला जो पाइप था ये नीचे था और ये छोटे वाला ऊपर था, तो इसी तरह से हम इसको ठोकेंगे। तो पहले ये नहीं लगाना है, पहले आपको लेना है एक सापट, ठीक है, इस तरह की सापट लेनी है। सापट बढ़िया क्वालिटी की लाइए, इसके अंदर कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। और बुश भी आपको बढ़िया क्वालिटी का ही लाना है, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, केवल 20 रुपये का फ़र्क पड़ता है अगर बढ़िया और सस्ता लेते हैं तो। अगर बढ़िया ले लेंगे, ट्रिपल एस का मैं लगा रहा हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ट्रिपल एस लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रिपल एस देख सकते हैं। ट्रिपल एस का आप लगाएंगे तो आपका ज़्यादा दिनों तक बेहतर चलता रहेगा। तो इसको आपको इस तरह से लगाना है, ऊपर से ठोकना है, ठीक है। जैसे कि आपने जैसे निकाला था इसको ऊपर से ठोक करके, वैसे ही आपको ऊपर से ठोक करके इसको डालना भी है, इस तरह से डाल लेना है। और इसको जब आप ठोकते हैं तो आपको पाइप का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन आपको ये नीचे जो लोहे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ये आपको हटा देना होगा। तो इसके नीचे आपको क्या लेना है, कोई लकड़ी का गुटका ले सकते हैं आप, ठीक है, लकड़ी का गुटका ले लीजिए, या लकड़ी की इस तरह की कोई आपके दुकान अगर है तो छोटी मोटी, तो उसके अंदर इस तरह का लकड़ी का बोर्ड, या मतलब लकड़ी ही होना चाहिए नीचे जिसके ऊपर कि आप रख करके इस तरह से आप इसको ठोकेंगे, तो आपकी जो नीचे की ये जो धार है, जैसा कि इसके अंदर ये ख़राब हो गया था, ठीक है, ये नीचे वाला पिट करके ख़राब हो गया था ये, तो इस तरह से ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसका देखेंगे ये गोल है, इस वाले का जो ये सापट है ये नीचे से गोल है, लेकिन इसका
ये जो कि पिटा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पिटा हुआ है। तो ये पिटा हुआ ना हो, अगर इसके लोहे के ऊपर आप ठोकेंगे रख करके तो ये पिटा हुआ जरूर होगा, और इसकी लकड़ी के ऊपर आप ठोकेंगे रख करके तो आपके मतलब धार नीचे से ख़राब नहीं होगी। हैं ज़मीन अगर आपकी मतलब फर्श नहीं है और वो मतलब मट्टी है, तो वहाँ पे आप इस तरह से लकड़ी से जब ठोकेंगे तो आपको मतलब ये नीचे चुभ जाएगा। तो इसके लिए आप इस तरह का प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप रख करके ठोक सकते हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है मतलब डायरेक्ट जब इसके ऊपर पड़ रहा है तो वो लकड़ी ही पे ही पड़ना चाहिए, लकड़ी पर ही डायरेक्ट ये पड़ना चाहिए, ठीक है। इसको आप इस तरह से ठोक सकते हैं, और कितना ठोकना है इसको आपको, जैसे कि आपके बुश के अंदर चला जाए तो इतना आपका बचना चाहिए, जैसे कि ये है कितना बुश से चला जाए तो यहाँ तक अभी हमारा ये बाकी है, तो ये निशान है कि बुश तक आपका जा रहा है यहाँ तक, यानी कि ये बुश आपका इतने दूर में आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों मैं लगा के दिखा दूँ, देखिए ये बुश हमारा इतने दूर में आएगा, दो चार इसके अंदर वार्सल आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा बुश आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इतने दूरी तक हमें ये इसको जो रूटर है यहाँ तक सापट में यहाँ तक लाना है जहाँ तक ये रुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ठोक लेंगे पूरा, तो देख सकते हैं ये पूरा मतलब यहाँ तक सट गया है, और अब हमें इससे ज़्यादा नहीं ठोकना है, ठीक है। इसी में हमारी इसकी मोटर की सेटिंग हो जाएगी, और ये छोटे वाला जो वार्सल है हमें ऊपर से इस तरह से लगा देना है, ठीक है, इस तरह से हमें लगा देना है, और नीचे वाला तो ये लगा हुआ ही है। और दोस्तों अब हम मोटर की जो फिटिंग करेंगे, कहीं से भी कोई भी बुश हम नया लगाएंगे, चाहे पुराना लगाएं, कहीं से लगाएं, इधर से लगाएं चाहे इधर से लगाएं, कहीं से भी ये मतलब ये जाम नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगा, देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये आराम से निकल जाता है और ये लग जाता है, कहीं से भी इसका मुँह ख़राब नहीं होता है, और इसकी पंखड़ी वगैरह लगाने में निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों तो इतना सब कुछ करने के बाद अब आप जब अपनी मोटर की यानी कि किट की फिटिंग करेंगे इस तरह से बुश ठोकने के बाद में, तो आपको इतना आसानी होगा कि आपको किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हैं कि और मिस्त्रियों दोस्तों को मदद मिले तो उनको शेयर भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।